या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करने जा रहे हैं, क्योंकि कल मंत्री के एक घर पे नीतीश कुमार गए थे और महज वहां 2 मिनट रुकते हैं, फिर वहां से वापस चले आते हैं। वापस आने के साथ लगातार नीतीश कुमार पर सवाल बना हुआ था। नीतीश कुमार फिलहाल वो पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता हैं, इसलिए हम पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो तेजस्वी की तरफ आते हैं तो तेजस्वी की सरकार ना सिर्फ बिहार में बनेगी बल्कि केंद्र में चलने वाली मोदी सरकार को भी बड़ा झटका लगेगा। वहीं पक्ष के लिए इस नीतीश कुमार की आवश्यकता इसीलिए है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार पक्ष में बने रहते हैं तो ना सिर्फ बिहार में मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी उनके पास रहेगी, बल्कि कहीं ना कहीं जो है वो देश की सरकार और नरेंद्र मोदी को भी प्रोटेक्ट करते नजर आ जाएंगे। और ऐसे में खबर अब ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो कोई बड़ा उम्मीद दिख रहे हैं, और ऐसे में ये बड़ा उम्मीद क्या पीएम पद की मिलने वाली ऑफर से जुड़ी हुई है? क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हटाकर देश के नए नवेले मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ऐसे में सवाल बहुत सारा है, लेकिन इन सवालों पर हम औपचारिक तौर पर बिना पुष्टि किए हुए कुछ बातों को आप तक बताना चाहते हैं। नीतीश कुमार की जब जब ऐसी गतिविधि देखने को मिलती है तो राजनीतिक में बवंडर आता है। वो आपने देखा होगा जब इंडिया अलायंस और एनडीए की एक ही समय में दिल्ली में बैठक होती है, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने के लिए जाते हैं और इंडिया अलायंस में तेजस्वी यादव शामिल होने के लिए रेगुलर फ्लाइट से ही एक साथ दोनों नेता जाते हैं। हालांकि फ्लाइट में आगे पीछे 2 सीटें होती हैं, पर नीतीश कुमार कुछ समय बाद फ्लाइट में नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपने पास बुला लिया, हालचाल पूछा, बिहार क्या ताज़ा तरीन अपडेट लिया, और इसके साथ खबर यह भी बताती है कि नीतीश कुमार ने देश की सरकार पर चिंतन मंथन करते तेजस्वी यादव से नजर आए। पर राजनीतिक भूचाल ये बहुत बड़े बवंडर की अनोखी तस्वीरों को दे रहा था। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, पर तेजस्वी यादव ने एक बिहार विधानसभा में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा, महोदय ना नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है और ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि बिहार में विकास और विकास की बात हो, यानी बिहार के लोगों को रोजगार मिले। और वहीं तेजस्वी यादव अब जंगल राज अपने चाचा के राज पर आरोप लगाते हैं। जंगल राज का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव लगातार ये सवाल पूछते हैं कि नीट पेपर लीक मामले में आखिर किन अपराधियों का नाम है, और संजीव मुखिया जो हैं उनकी पत्नी जो है वो नीतीश बाबू के साथ क्या कर रही हैं, चिराग पासवान जी के साथ क्या कर रही हैं। टिकट को थामे हुए नेताओं की तस्वीर जब सामने आती है तो सवाल उठ जाता है, और सवाल लगातार नीतीश कुमार पर भारी पड़ता है। पर यह सवाल लगातार चिंता का एक बड़ा भी बन रहा है, और ऐसे में कई अनेक जानकारी और खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।